खाना करना है, ठीक है? करोगे? कौन कौन करोगे? सब के सब करोगे? देखो किसी को कुछ बोलोगे ना तो लोग तो गाली देंगे आप लोगों को, उससे अच्छा मैं छोटा छोटा भिसिल ला दूंगा आप लोगों के लिए। सुबह से उठना, लेकिन घर में नहीं बजाना है भैया भिसिल को, स्कूल में नहीं बजाना है। सुबह और शाम को ही यदि कोई लेटरिन करता है सड़क किनारे तो भिसिल फूंकना है जोर से, तू घर जा घर के अंदर लेटरिन करना करके, ठीक है? शौचालय रुक जाएगा आपका गांव का। इस क्रिया को हम करेंगे, सबको ला के सब देंगे। आपके दर्ज संख्या कितना है? 56 है ना, 56 तो भिसिल ला के हम देंगे, लेकिन सबको बजाना है भाई, हो गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे जी? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे? और अब्दुल कलाम को पहचानते हैं? ये है अब्दुल कलाम हमारे, एकदम नजदीक चलेगा, ये अब्दुल कलाम हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं। इनका पारिवारिक जीवन जानते हो? नहीं जानते हो ना? इसके पिताजी मछली पकड़ते थे, मछली, जैसे आप लोगों के पिताजी चाचा लोग गांव वाले मछली पकड़ते हैं ना, वैसे मछली पकड़ते थे। और इनके 6 भाई थे, भाई बहन थे, ये 6वां नंबर के थे, एकदम गरीब परिवार के थे, बहुत गरीब, इसको पढ़ा लिखा नहीं पा रहे थे, है ना? तो एक ब्राह्मण परिवार के गुरुजी ने क्या किया, अपना उसको पढ़ाने का दायित्व लिया। कोई फोन करे वाला देख के बोल देगा यार, ट्रेनिंग में है कैसे पता नहीं, परेशान हो रही, कोई विशेष आदमी हो तो परेशानी हो रही। तो उसको एक ब्राह्मण परिवार ने, गुरुजी ने उसको पढ़ाने का दायित्व लिया और पढ़ाया, बहुत अच्छा लगन था उनमें, और पढ़ रहे थे कि स्कूल जा रहे थे, तो एक का सिक्का उनके पॉकेट में था, सिक्का निकाले और ऐसे उछाले, है ना? अभी जो बोले उसको सुन लीजिए सर, उसको बाद में सुनिएगा, ऐसे जोर से उछाले, और उसके बाद में जब ऊपर गया ना सिक्का, तो देखे कि हवाई जहाज जा रहा था, और उसने संकल्प किया कि मैं इस हवाई जहाज का पायलट बनूंगा। देखो वो क्या था, एकदम गरीब परिवार का था, उसके पास खाने को नहीं, पढ़ने को नहीं, स्कूल के फीस के लिए नहीं, लेकिन उसका संकल्प कितना बड़ा था कि मैं हवाई जहाज का पायलट बनूंगा। और उन्होंने मेहनत किया, तन मन धन प्राणपण से जुट करके मेहनत किया, पढ़ाई किया, और वो केवल पायलट ही नहीं बने, हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। चूंकि वो एक मुस्लिम समुदाय के थे और उनको शिक्षा देने वाला हिंदू समुदाय का था, इसलिए कभी हिंदू मुस्लिम का लड़ाई उन्होंने करने ही नहीं दिया किसी को। ये हिंदू मुस्लिम का लड़ाई तो एक बनावटी झगड़ा है, राजनेता लोग वोट देंगे कह के उकसाते हैं, लड़ाई करवाते हैं, तू कांग्रेस, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, दंगा होता है, भगदड़ होता है, आम आदमी मरता है। नेता क्यों नहीं मरता? क्योंकि बिल के अंदर घुसड़ जाता है, और घुसड़ने के बाद फिर घड़ियाली आंसू बहाने लगता है कि मेरे इतने आदमी मर गए, मेरे इतने आदमी मर गए। जिस दिन वो नेता भगदड़ में मच जाता ना, तो आज लड़ाई ही बंद हो जाता है। भगदड़ करवाने वाले नेता ही होते हैं, इसलिए अच्छे नेता का चुनाव करना चाहिए। ध्यान इधर दो बाबू, हैं वो हवा में उड़ेगा, उड़ने दो उसको। तो आप लोग महान बनना चाहोगे ना? हाँ। तो तुम लोग पढ़ते हो और भूल जाते हो, कौन कौन भूल जाते हैं? हाथ ऊपर करो, तो जोर से ऊपर करो ना, ये तो समझ में नहीं आ रहा है किसको याद आता है किसको नहीं आता है। और तुम लोगों को जो पढ़ते हो सबको सब याद आ जाता है, सब याद कर लेते हो? तो बुढ़िया खड़े हो जाता, तू खड़े हो जा। हिंदी के पार्ट एक में क्या कविता है? मेरी अभिलाषा। हाँ पढ़ के सुना। पार्ट एक मेरी अभिलाषा है, सूरज सा चमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, जगमग जगमग तारों सा चमकू मैं, मेरी अभिलाषा है, फूलों सा मक्कू मैं, भीगो सा चमकू मैं, गुंजित सा वन उपवन, कोयल सा कुकू मैं, मेरी अभिलाषा है, नम से निर्मलता, नम सबसे से सुतलता, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता, मेरी अभिलाषा है, सागर सा लहराओ, सेवा के पथ पर मैं, सुनो सभी जाओ, मेरी अभिलाषा। बैठ जाओ, इसके लिए ताली बजाओ जी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है छाया चौहान। थोड़ा जोर से बोलो ना। मेरा नाम है छाया चौहान। बैठ जाओ। देखो जी मैं जोर से बोलता हूँ लेकिन थोड़ा मेरा सुनाई कम देता है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग भी थोड़ा जोर से बोलो करके, है ना? तो
इसको बताइए तो बहुत अच्छा याद हो जाता है, ऐसे याद आप लोग भी पाठ में करना। तो हम ऐसे कुछ आसन बताएंगे आप लोगों को, जो पढ़ोगे वो हमेशा याद रहेगा। सीखना चाहोगे? कौन कौन सीखना चाहोगे? सब के सब? ये नहीं सीखेगी, ये भी नहीं सीखेगी।